Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Digimento Educations and also known as getlectures.com. So today we are going to start the second part of this DSSSB video series, and second part is, in this second part we will solve the questions of computer architecture. So in this video series I will provide 200 best MCQs of computer architecture and organization. So ye video Hindi mein hogi. और कुछ लोगों का मानना है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और बहुत लोग उसे छोड़ ही देते हैं बहुत सारे कंपिटेटिव एग्जाम्स के लिए. लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप प्रोग्रामर हो या फिर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो और अगर आप कंप्यूटर यूज़ भी कर रहे हो तो हर एक वो इंसान जो प्रोग्रामर है या फिर जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है उसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए. ओके तो अगर आपको कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में पता है, अगर आपको ये पता है कि डेटा कैसे फ्लो कर रहा है कंप्यूटर के अंदर, इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर हो रही है, कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद में कैसे कैसे काम कर रहा है, तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी तो आप बेटर प्रोग्राम लिख सकते हो, एक ऑप्टिमाइज्ड प्रोग्राम कर सकते हो. तो ये ऐसे ही है जैसे अगर आप लेट से एक्सरसाइज कर रहे हो तो अगर आपको अपनी बॉडी के हर एक पार्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता है तो आप बेटर एक्सरसाइज कर पाओगे, तो अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओगे. तो इसी तरह से कंप्यूटर आर्किटेक्चर है. तो अगर आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो या फिर प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए. तो इन 200 बेस्ट MCQs को सॉल्व करने के बाद में, इस पूरी वीडियो सीरीज को देखने के बाद में, आप DSSSB का कोई भी क्वेश्चन जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर से होगा वो सॉल्व कर पाओगे. इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो अभी कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ. मे बी एग्जैक्ट क्वेश्चन ना आए लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स में बताने वाला हूँ क्वेश्चन के पीछे, एक्चुअल में क्वेश्चन के बहाने हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में. सो मेरा नाम है अब्दुल कादिर. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो सीरीज. फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मेट इज यूजुअली यूज टू स्टोर डेटा. तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में चार फॉर्मेट दिए हुए हैं, BCD, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल. तो इनमें से कौन सा फॉर्मेट हम यूज करते हैं कंप्यूटर्स में डेटा को यूज करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, यूज टू स्टोर द डेटा. ओके तो हमारे पास में एक BCD है जिसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल. तो BCD दो तरह से है, एक तो है अनपैक्ड एंड पैक्ड. सो पैक्ड BCD एंड अनपैक्ड BCD. एक्चुअली हम क्या करते हैं, जो हमारा डेसिमल नंबर होगा, लेट्स से मेरा नंबर है 3 और 4, तो इस नंबर को अगर मुझे BCD में रिप्रेजेंट करना है तो आई विल रिप्रेजेंट लाइक दिस. मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करूंगा बल्कि इंडिविजुअल यूनिट्स के इक्वालेंट चार डिजिट का एक बाइनरी नंबर लिखूंगा. जैसे 3 है, 3 का बाइनरी नंबर क्या होगा 3 डिजिट्स में 0011. 4 का क्या होगा 0100. तो 34 का जो BCD होगा वो होगा 00110100, लाइक दिस. बाइनरी में भी अलग हो सकता है लेकिन BCD ये होगा. तो BCD में अगर आप किसी भी एक डिजिट को 4 बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको बोलते हैं पैक्ड BCD. अगर एक डिजिट को 8 बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको बोलते हैं अनपैक्ड BCD. फॉर एग्जांपल 8 बिट्स में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, लाइक दिस. तो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन ये होगा 3 का. तो 0 से लेके 9 तक डेसिमल में डिजिट्स होंगी आपकी, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स आप BCD में राइट लिख सकते हो. सो BCD इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा इन कंप्यूटर्स. क्वेश्चन नंबर 2, अ सोर्स प्रोग्राम इज यूजुअली इन व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज. तो हमें पता है कि हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज. तो इनिशियली जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी सो इनिशियली हम क्या करते थे, प्रोग्राम जो है वो मशीन लैंग्वेज में लिखते थे, लाइक दिस. अगर मैं कहूँ मशीन कौन सी लैंग्वेज समझती है, तो मशीन समझती है अपनी लैंग्वेज, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, लाइक दिस. अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है तो हर एक इंस्ट्रक्शन का एक पर्टिकुलर बिट पैटर्न होगा, लाइक दिस. 8 बिट का या फिर जितने 16 बिट्स का, जितना भी आपका आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा कि हर एक इंस्ट्रक्शन कितने बिट का होगा. तो इस तरह से आप कोडिंग करते थे. अगर आपको दो नंबर ऐड करने हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि एडिशन का कोड ये है. तो इनको याद रखना बहुत मुश्किल था, इसीलिए इंस्ट्रक्शन को लिखना बहुत ही मुश्किल था. उसके बाद भी आपकी असेंबली लैंग्वेज आई, आपने कहा कि इन बिट पैटर्न्स को याद रखना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए हम क्या करते हैं हर एक बिट पैटर्न के लिए कुछ एक निमोनिक्स दे देते हैं. निमोनिक्स मतलब कोई नाम दे देते हैं हर एक को. जैसे मैंने कहा कि ये ऐड के लिए था, तो 00110100 को मैंने एक नाम दे दिया ऐड,
मुझे पता चल गया कि नंबर जो ये जो बिट पैटर्न है ये एडिशन के लिए है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ इस लैंग्वेज को समझता है, वो ऐड को नहीं समझेगा, तो हमें एक असेंबलर की ज़रूरत थी। तो आपने क्या करा, असेंबली लैंग्वेज को एज ए इनपुट दिया असेंबलर में। असेंबली लैंग्वेज मीन्स ये निमोनिक्स, इनको बोलते हैं निमोनिक्स, जो एक्चुअल में इंस्ट्रक्शंस के लिए सिंबल्स हैं। असेंबली लैंग्वेज को एज ए इनपुट दिया असेंबलर में। असेंबलर एक प्रोग्राम है जो कि सिस्टम प्रोग्राम है। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी इस केस में, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज नहीं समझता कंप्यूटर, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, इसीलिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो इसके बाद में हम और एडवांस हुए और हमने कहा कि असेंबली लैंग्वेज में भी प्रोग्राम्स जो हैं बहुत लंबे पड़ रहे हैं, अगर आपको एडिशन ही करना है तो बहुत लंबा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। पहले एक जो वेरिएबल है उसको रजिस्टर्स में लेके जाना पड़ेगा, मूव इंस्ट्रक्शन के थ्रू, लाइक दिस, मूव ए टू आर वन, मूव बी टू आर टू, लाइक दिस, देन वी यू विल एड द नंबर्स आर वन आर टू, और उसके बाद में स्टोर करोगे इस रिजल्ट को फाइनली कहीं एक वेरिएबल में। तो दो नंबर को ऐड करना था आपको, लाइक दिस, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। मशीन हाई लेवल लैंग्वेज में सिंपल एक इंस्ट्रक्शन ऐसे लिख सकते हो, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में आपको चार इंस्ट्रक्शन लिखने पड़े। मशीन लैंग्वेज में और लंबा होगा क्योंकि इसके लिए एक बिट पैटर्न होगा, फिर इसके लिए एक बिट पैटर्न होगा, फिर इसके लिए एक बिट पैटर्न होगा, बहुत लंबा पैटर्न होगा, इस तरह से 8 इंस्ट्रक्शन होंगे। तो इसी तरह से हमने क्या करा कि मशीन लैंग्वेज हम अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस बनाते गए और नंबर ऑफ लाइंस इन योर प्रोग्राम डिक्रीज्ड। तो नंबर ऑफ लाइंस प्रोग्राम का साइज छोटा करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते चले गए और लास्ट में हम कहाँ हैं, अभी मशीन लैंग्वेज पे हैं, जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज पे हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे आपकी सी, जावा, सी प्लस प्लस, जितने भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इसीलिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। अगर सी में कोई प्रोग्राम लिखा है आपने तो पहले वो कंपाइल करोगे, उसके बाद में आपको एक मशीन लैंग्वेज कोड मिलेगा जिसको आप मशीन समझ सकती है। तो इसीलिए हमें कंपाइलर्स की ज़रूरत है, उसके बाद में असेंबलर्स की ज़रूरत है, फिर लोडर की और लिंकर की, अगर आप प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हो। तो अ सोर्स प्रोग्राम, जब भी सोर्स प्रोग्राम की बात आएगी आज की दुनिया में, अगर मैं बात करता अब से लेट से 40 साल पहले, तो सोर्स प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में था, लेकिन आज हाई लेवल लैंग्वेज में है। जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे सी हो, चाहे जावा हो, चाहे .NET, सी शार्प हो, वो सब क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ओके, सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है जो हम यूज़ करते हैं मेमोरीज को बनाने के लिए। एक्चुअल में जो आपकी कंप्यूटर के अंदर मेमोरीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेमोरी हायरार्की देखता हूँ, तो कंप्यूटर के अंदर बहुत तरह की मेमोरीज हैं, जिससे सबसे इनिशियली कौन सी है, रजिस्टर्स, जो बिल्कुल CPU के पास में है। उसके बाद में आपके पास कैश मेमोरी, जो CPU से थोड़े दूर है लेकिन मेन मेमोरी और रजिस्टर्स के बीच में है, और बहुत ही एक्सपेंसिव मेमोरी है क्योंकि वो स्टैटिक रैम से बनी हुई है। स्टैटिक रैम में हम फ्री फ्लॉप्स यूज़ करते हैं जो कि महंगे पड़ेंगे, और यहाँ पे आपकी फाइनली सेकेंडरी मेमोरी, ये मेमोरी हायरार्की है। जैसे जैसे आप ऊपर की जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे, उसी तरह कॉस्ट पर बिट बढ़ती जाएगी, ठीक है, और साइज डिक्रीज होता जाएगा। देख सकते हो आप, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होगी या हार्ड डिस्क होगी वो TBs में होती है मेमोरी, 4GBs में, कैश मेमोरी MBs में, रजिस्टर्स बाइट्स में। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, एंड कॉस्ट पर बिट भी डिक्रीज हो रही है। तो ये कह रहा है कि मेमोरीज में, अब आपके पास में सेमीकंडक्टर कौन सी मेमोरी में यूज होगा, जो आपकी हार्ड डिस्क है ये सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक डिस्क होगी, मैग्नेटिक डिस्क या फिर और कोई भी हो सकती है, लेट्स से टेप भी हो सकती है। तो मैग्नेटिक टेप हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई होगी, तो वो सेमीकंडक्टर से नहीं होगी। जो मेन मेमोरी होगी वो या तो फ्लिप फ्लॉप से बनी होगी या फिर ट्रांजिस्टर्स एंड ट्रांजिस्टर से बनी होगी। कैश मेमोरी जो होगी वो स्टैटिक रैम से बनी हुई होगी, स्टैटिक रैम में फ्लिप फ्लॉप होते हैं, रजिस्टर्स में भी फ्लिप फ्लॉप होते हैं। तो इनमें से कौन सी डिस्क सेमीकंडक्टर से बनी हुई है, हार्ड डिस्क हमें पता है मैग्नेटिक डिस्क है, तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी डिस्क, जहाँ भी डिस्क की बात आ रही है वो सब के सब मैग्नेटिक डिस्क हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल से आपकी बनी हुई है। तो अकेली रैम ही है जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई है, ठीक है। द स्मॉल एक्सट्रीमली फास्ट रैम इज कॉल्ड एज वॉट। तो रैम है हमारे पास में, उसके बाद भी एक और रैम है जिसको हम स्टैटिक रैम बोलते हैं, जो कि कैश मेमोरी है, एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत ही फास्ट मेमोरी है रैम, क्योंकि रैम का साइज बहुत छोटा होगा, मटेरियल उसमें बहुत ही अच्छे वाला लगा हुआ है। लेट से कैश मेमोरी के अंदर हम फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं, तो फ्लिप फ्लॉप मोर फास्टर देन द ट्रांजिस्टर्स, तो इसीलिए जो रैम है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि जो कैपेसिटर्स हैं
जो आपकी मेन मेमोरी है जो हम रैम बोलते हैं, वो रैम एक्चुअल में कैपेसिटर से ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है, और कैपेसिटर की टेंडेंसी ये है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होते हैं बहुत जल्दी जल्दी। कैपेसिटर को अगर आप लेट से कैपेसिटर के अंदर जो आपका डेटा होगा वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, जो कैपेसिटर्स हैं तो दो तीन दो चीज़ों से बनी हुई है, कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर्स। जो कैपेसिटर्स हैं उनके अंदर डेटा है, और ट्रांजिस्टर्स जो है वो ऑन एंड ऑफ का काम कर रहे हैं, कब उसके अंदर मेमोरी कब डेटा उसके अंदर स्टोर करना है और कब नहीं करना है, ये कैपेसिटर्स को ऑपरेट कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं। तो कैपेसिटर्स में डेटा इस तरह से स्टोर्ड है, जैसे आप मान लो कि एक बाल्टी के अंदर बहुत सारा पानी है, ठीक है, इसी तरह इसके कैपेसिटर्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके नीचे एक हॉल है, पानी जो है वो बाहर वो इससे निकल रहा है, लीक हो रहा है। तो कैपेसिटर्स को इसीलिए, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज होता रहता है, ये मैं कह रहा हूँ ना लीक हो रहा है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसको आप पीरियडिकली आपको रिफ्रेश करना होता है, कैपेसिटर्स को पीरियडिकली आपको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि डेटा उसमें स्टोर रहे। ओके, जिससे कि डेटा उस कैश उस मेमोरी के अंदर जो उसके अंदर डेटा था वो रिफ्रेश रहे। तो अगर ये बाल्टी फुल है, लेट से कैपेसिटर फुल है, तो उसका मतलब है कि यह है कि कैपेसिटर के अंदर वैल्यू जो स्टोर्ड है वो 1 है। अगर कैपेसिटर फ्री है, मतलब उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ओके, कैपेसिटर्स बिल्कुल एम्प्टी हो गया है, तो बिट 0 स्टोर्ड है। तो अगर आपको डेटा स्टोर करना होता है 1, तो आप क्या करते हो, उसको फुल कर देते हो इलेक्ट्रॉन से, और अगर उसको आपको डेटा 0 स्टोर करना होता है तो आप उसको एम्प्टी कर देते हो। तो बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है रैम को, जो जो आपकी नॉर्मल रैम होती है, डायनेमिक रैम, जो कैपेसिटर से ट्रांजिस्टर से बनी हुई है, इसलिए वो थोड़ी स्लो होती है। लेकिन जो आपकी फास्ट रैम है, हम कैश मेमोरी की बात करते हैं, तो कैश मेमोरी स्टैटिक रैम से बनी हुई होती है, और उसके अंदर हमारे मोस्टली क्या है, फ्लिप फ्लॉप एंड ट्रांजिस्टर्स। क्योंकि फ्लिप फ्लॉप, हर एक फ्लिप फ्लॉप हमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि फ्लिप फ्लॉप बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हम फ्लिप फ्लॉप की वजह से ही जो आपकी स्टैटिक रैम है, जो आपकी कैश मेमोरी है, बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाती है। छोटा साइज भी अगर आप अपने लैपटॉप के अंदर देखोगे तो 64 MB से 256 MB तक आपके अंदर आपके लैपटॉप के अंदर कैश मेमोरी होगी। ओके, इतनी कैश मेमोरी बहुत फास्ट हो, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। अगर आपको अपने कंप्यूटर के अंदर लेट से कैश मेमोरी बढ़वानी है तो बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, मेन मेमोरी में कम कॉस्ट लगेगी कंपेरेटिवली। तो वो कैश मेमोरी है जो कि फास्ट स्मॉल है एंड एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी है, रैम ही है, दैट इज कॉल्ड एज कैश मेमोरी। द एलयू मैक्स यूज ऑफ वॉट टू स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट, एक रजिस्टर है एक्यूमुलेटर, ओके, जो कि आपकी एलयू के पास में लगा हुआ है, यह है एलयू, और यहाँ पे कनेक्टेड है आपका, यहाँ पे कहीं है एक्यूमुलेटर। तो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं वो एक्यूमुलेटर के अंदर रखते हैं, और एक्यूमुलेटर के अंदर हमेशा डेटा रखेंगे, याद रखना, हमेशा रजिस्टर दो तरह के होते हैं, डेटा जो या तो डेटा स्टोर करेंगे या फिर एड्रेस स्टोर करेंगे, तो एक्यूमुलेटर जो है वो डेटा रजिस्टर है, ना कि एड्रेस रजिस्टर्स। तो एक्यूमुलेटर इज द रजिस्टर विच स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग द कंट्रोल सिग्नल्स। आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके सीपीयू के अंदर तीन चीज़ें होती है, अगर आपने देखा हो तो, लेट से ये आपका सीपीयू है, तो सीपीयू के अंदर तीन चीजें होती है, एक होगा आपका एलयू, एक होगी कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट के अंदर डिकोडर्स लगे हुए हैं, और यह है रजिस्टर फाइल जिसके अंदर आपके बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। तो तीन चीजें हैं सीपीयू के अंदर, कंट्रोल यूनिट, एलयू एंड रजिस्टर्स। एलयू का काम है अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना, और कंट्रोल यूनिट का काम है कि एलयू को हेल्प करना वो ऑपरेशन करने के लिए। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, उन कंट्रोल सिग्नल के थ्रू ही ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। ये कंट्रोल यूनिट ऐसे ही है जैसे आपके कंप्यूटर, आपके अंदर हार्ट है, हार्ट क्या करता है, आपका दिल आपका आपकी बॉडी के हर अलग अलग पार्ट्स में ब्लड को सर्कुलेट करता है, ठीक है, इसी तरह जो सीपीयू है, सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट है जो बॉडी जो सीपीयू जो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स में कंट्रोल सिग्नल्स को सर्कुलेट करता है। कंट्रोल सिग्नल्स ना हो तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है हर एक ऑपरेशन के लिए जो कंप्यूटर के अंदर हो रहा है, कोई भी ऑपरेशन होगा उसके लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे, तभी वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा। तो कंट्रोल यूनिट का काम है कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर नंबर्स एंड इनकोडेड कैरेक्टर जनरली यूज्ड एज ऑपरेंड्स। ओके, ऑपरेंड्स के लिए इनपुट डेटा इन्फॉर्मेशन और स्टोर्ड वैल्यू, इनकोडेड कैरेक्टर जनरली यूज एज ऑपरेंड्स, ये अब इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम ऑपरेंड्स के एज ए ऑपरेंड क्या यूज करते हैं, स्टोर्ड वैल्यूज, डेटा, इनपुट इन्फॉर्मेशन,
स्टोर्ड वैल्यूज आर यूज्ड एज ऑपरेंड्स, जिन पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एज सेल, ब्लॉक, इंस्टेंस और यूनिट. वी कॉल इट सेल. जो आपकी मेन मेमोरी है वो सेल्स में डिवाइडेड है, लाइक दिस. ये मेमोरी है और ये डिपेंड करेगा कि मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है या वर्ड एड्रेसेबल है. अगर मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है तो उसका मतलब ये कि हर एक बाइट को एक इंडिविजुअल एड्रेस दिया हुआ है. ये है मेन मेमोरी और ये मेमोरी की सेल्स हैं और हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होगा. हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होगा. लेट्स से इसका विड्थ है 1 byte, एक सेल की विड्थ है 1 byte. अगर मेमोरी वाइट एड्रेसेबल है तो लेट्स से इसका एड्रेस है 0000. इस सेल का एड्रेस होगा 0001, फिर इसका एड्रेस होगा 0010, लाइक दिस 0011. तो इस तरह से एड्रेसेस होंगे. हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होगा अगर बाइट एड्रेसेबल है. अगर वर्ड एड्रेसेबल, लेट्स से मैंने कहा कि वर्ड साइज इक्वल्स टू 2 bytes. वर्ड का साइज जो है वो डिपेंड करेगा, हमेशा दिया हुआ होगा कि वर्ड साइज क्या है. वर्ड का कोई भी यूनिक डेफिनेशन नहीं है. जैसे बाइट की एक यूनिक डेफिनेशन है कि 8 bit = 1 byte, लेकिन वर्ड का कोई फिक्स साइज नहीं है कि 2 bytes = 1 word या 4 bytes = 1 word. ये डिपेंड करेगा प्रोसेसर टू प्रोसेसर. किसी प्रोसेसर का वर्ड साइज 4 bytes है, किसी प्रोसेसर का साइज 8 bytes है, लाइक दिस. तो अगर 2 byte वर्ड का साइज है तो इसका मतलब ये कि 2 bytes को एक सिंगल एड्रेस मिलेगा, लाइक दिस. फिर अगली 2 bytes को एक सिंगल एड्रेस मिलेगा. तो हमने क्या किया है, bytes को ग्रुप कर दिया है वर्ड एड्रेसेबल में. तो सेल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी की. उसके बाद में ब्लॉक्स हैं. ब्लॉक्स क्या होते हैं? ब्लॉक इज द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और यू कैन से bytes. कई सारी bytes मिलके ब्लॉक यूज होगा. तो ब्लॉक जो है वो कैश मेमोरी की, ये जो वर्ड है ब्लॉक, ये कैश मेमोरी के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि मेमोरी और कैश मेमोरी के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होगा वो ब्लॉक्स की फॉर्म में होगा. सेल जो है वो एक यूनिट है सिंपल मेमोरी के, वन सेल. व्हाट बस स्ट्रक्चर इज यूजुअली यूज्ड टू कनेक्ट आईओ डिवाइसेस? सो टू कनेक्ट आईओ डिवाइसेस वी यूज सिंगल बस स्ट्रक्चर. टू कनेक्ट आईओ डिवाइसेस मींस, जब हम कह रहे हैं कि टू कनेक्ट आईओ डिवाइस, किससे कनेक्ट करने के लिए, अगर ये कह रहा है टू कनेक्ट डिवाइसेस तो किससे कनेक्ट करने के लिए, एक्चुअल में सीपीयू से. हम हर एक चीज़ की इंटरफेसिंग सीपीयू के साथ में करते हैं, क्योंकि सीपीयू मास्टर है पूरे कंप्यूटर का और बाकी सब डिवाइसेस स्लेव्स हैं. एक कंप्यूटर के अंदर 3 ही कंपोनेंट्स हैं, सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ. तो सीपीयू मास्टर है एंड मेमोरी एंड आईओ स्लेव्स हैं और वो इंटरफेस करते हैं सीपीयू के साथ में. तो अगर आपको कनेक्ट करने हैं तो हमारे पास में कई सारे ऑप्शन हैं, लाइक मल्टी बस ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल बस ऑर्गेनाइजेशन. तो नॉर्मली हम सिंगल बस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं. मतलब क्या है कि सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ तीनों के तीनों एक सिंगल बस से कनेक्टेड है. द आईओ इंटरफेस रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द आईओ डिवाइसेस टू द बस कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ये आईओ इंटरफेस क्या है और ये आईओ डिवाइसेस क्या है? तो अगर मैं कंप्यूटर को ब्रॉडली देखूं तो कंप्यूटर के अंदर 3 ही चीजें हैं, जैसे मैंने अभी बताया. ये है लेट्स से डिवाइस. ये डायग्राम है, बहुत ही पॉपुलर डायग्राम जिसको हम बार बार देखेंगे. ये है सीपीयू और साथ में कनेक्टेड है मेन मेमोरी और फिर कनेक्टेड है आईओ डिवाइसेस और यह है आपकी सिस्टम बस, सिंगल बस जिसे हम बोल रहे हैं कि सिंगल बस. सिस्टम बस के अंदर 3 चीजें हैं, 3 तरह की लाइन्स है इसके अंदर. ये बस है, बस मतलब इसके लिए लाइन्स है इसके अंदर बहुत सारी. एड्रेस लाइन्स है, डेटा लाइन्स एंड कंट्रोल लाइन्स. एड्रेस लाइन एड्रेस कैरी करने के लिए, डेटा लाइन्स डेटा कैरी करने के लिए, कंट्रोल लाइन्स ये बताने के लिए रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन है. तो जो आईओ डिवाइसेस हैं, आईओ डिवाइसेस जब मैं बात कर रहा हूँ, इस आईओ की इसकी बात, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, जितने भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सब यहाँ पे कनेक्टेड है. हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क भी एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है. प्रिंटर, तो ये सब डिवाइसेस यहाँ कनेक्टेड है. ग्राफिक कार्ड, तो जो भी आप नया डिवाइस ऐड करोगे वो आईओ के अंदर आएगा. अब जो आईओ डिवाइसेस है वो डायरेक्टली इंटरफेस्ड नहीं है सीपीयू के साथ में, क्योंकि आईओ डिवाइस, सीपीयू जो है वो बहुत ही फास्ट डिवाइस है. सीपीयू क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. और जो आपके आईओ डिवाइसेस है लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, ये सब क्या है, ये अलग टेक्नोलॉजी के हैं. ये या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं या इलेक्ट्रोमैकेनिकल, लाइक दिस. ये अलग अलग टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं. तो इनका सीपीयू का वर्ड साइज एंड इन डिवाइसेस का वर्ड साइज, डेटा ट्रांसफर की फॉर्म अलग अलग है. सीपीयू बाइनरी समझता है और कीबोर्ड जो है वो एसकाई की फॉर्म में वैल्यूज दे रहा है. माउस अलग तरह से वैल्यूज दे रहा है. मॉनिटर जो है वो लेट्स से पिक्सल्स की फॉर्म में वैल्यूज को प्रोसेस कर रहा है. तो इनके बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं.
तो सीपीयू और आईओ के बीच में वो डिफरेंसेस कम करने के लिए हमने क्या किया है, हमने एक इंटरफेस लाए, एक आईओ इंटरफेस जो हमने रखा आईओ डिवाइसेस के बीच में। यहाँ पे आपके आईओ डिवाइसेस कोई भी होगा, लेट्स से माउस कीबोर्ड, और फिर यहाँ पे है ये बस से कनेक्टेड इंटरफेस। ये जो इंटरफेस है ये बस से कनेक्टेड है, यहाँ पे एक्चुअल में जो कनेक्टेड है ये इंटरफेस कनेक्टेड है आपका आईओ इंटरफेस। यहाँ पे फिर आईओ डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो आईओ इंटरफेस क्या करता है, इन दो के बीच में जो दूरी है, जो वर्ड साइज अलग है, जो स्पीड का मिसमैच है, सीपीयू बहुत ही फास्ट डिवाइस है और जो बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है बहुत ही स्लो डिवाइसेस हैं, तो स्पीड का मिसमैच, वर्ड का साइज, ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम्स है ये आईओ इंटरफेस हैंडल करता है। और आईओ इंटरफेस के अंदर तीन चार चीज़ें होती हैं, जैसे इंटरफेस है इसके अंदर एड्रेस डिकोडर होगा कि जो सीपीयू से एड्रेस आ रहा है, सीपीयू क्या कहेगा कि मुझे इस एड्रेस से कुछ डेटा चाहिए, लेट्स से उसने हार्ड डिस्क के लिए एड्रेस भेजा कि मुझे हार्ड डिस्क पे इस एड्रेस से डेटा चाहिए, तो ये आईओ इंटरफेस क्या करेगा, एड्रेस को डिकोड करेगा और उस एड्रेस से डेटा उठा के अपने बफर में लाएगा, फिर बफर से सीपीयू के पास में जाएगा साइकिल्स में। इसके अंदर डेटा रजिस्टर्स हैं, लाइक बफर्स हैं जिसको हम डेटा रजिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। कंट्रोल सर्किट्स भी हैं इसके अंदर जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करते हैं। तो एक तरह का प्रोसेसर ही है, छोटा सा प्रोसेसर ही है, इसको आईओ प्रोसेसर भी बोलते हैं इंटरफेस पे। तो इस इंटरफेस के अंदर तीन चार चीज़ें हैं, एड्रेस डिकोडर, रजिस्टर्स, कंट्रोल सर्किट्स, डेटा रजिस्टर्स, काउंट रजिस्टर्स। जब आप डीएमए पढ़ोगे तो आप इंटरफेस उसमें डिटेल्स में देखोगे। टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम वी जनरली मेक यूज ऑफ, अगर हमें मेमोरी एक्सेस टाइम कम करना है तो हम क्या यूज करते हैं, हायर कैपेसिटी रैम्स, हीप्स या कैशेज। मैंने अभी बताया था कैशे जो है बहुत ही फास्ट मेमोरी है। अगर आप कैशे यूज करते हो, लेट्स से अभी आपका आर्किटेक्चर ऐसे है कि सीपीयू है और सीपीयू क्या कर रहा है, एक वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस फेच कर रहा है मेन मेमोरी से और उनको एग्जीक्यूट कर रहा है लाइक दिस, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेमोरी एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा है, मेमोरी एक्सेस टाइम लेट्स से 1000 नैनोसेकंड्स है, तो मेमोरी एक्सेस टाइम अगर इतना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी है 4GB की मेमोरी है, तो सर्च टाइम भी ज़्यादा होगा, इसलिए एक्सेस टाइम भी ज़्यादा होगा। अगर आप ऐसा करो कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में आप एक कैश मेमोरी लगा दो, ठीक है, यहाँ पे कैश है, तो क्या होगा, अब एक्सेस टाइम घट जाएगा यहाँ पे, लेट्स से कैश एक्सेस टाइम जो है बहुत ही कम होगा, 10 नैनोसेकंड, 100 टाइम्स लेस देन मेमोरी एक्सेस टाइम। तो जब आपको कोई भी डेटा एक्सेस करना है जो आप बहुत ही रिसेंटली एक्सेस कर रहे हो, तो उस डेटा को उठा के आप फाइनली कैशे के अंदर रख लो और कैशे से एक्सेस करो बार बार, आपको मेमोरी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम होगा वो घट जाएगा कैशे के इंट्रोड्यूस करते ही। कैशे को इसीलिए इंट्रोड्यूस करते हैं कि जो मेमोरी एक्सेस टाइम है वो कम हो जाए। हम मेमोरी का टाइम कम करने में इतना कंसर्न क्यों है, क्योंकि सीपीयू बहुत टाइम जो बहुत जितना टाइम आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसमें से 70% ऑफ द टाइम जो है वो मेमोरी एक्सेस ही हो रही होती है, 30% ऑफ द टाइम कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जिस टाइम कोई आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो मेमोरी एक्सेस कर रहा होगा प्रोग्राम, ओके। लेट्स से उसको कुछ वैल्यूज उठा के ले जानी है, कुछ स्टोर करना है, कुछ फैच करना है, फिर स्टोर करना है, तो ये सब चीज़ें ही करता रहेगा और सीपीयू पे बहुत ही कम टाइम स्पेंड करता है प्रोग्राम, ओके, इन कंपेरिजन टू मेमोरी एक्सेस एंड हार्ड डिस्क एक्सेस। तो कैशे इसीलिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे कि कॉस्ट डिक्रीज हो जाए मेमोरी एक्सेस की। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच काइंड ऑफ मेमोरी इज जनरली यूज टू इंक्रीज द अपरेंट साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी, इंक्रीज द अपरेंट साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी की जब भी बात करेंगे, मैंने कल भी बताया था जैसे लास्ट वीडियो में कि फिजिकल मेमोरी कन्फ्यूज नहीं होना है कि फिजिकल मेमोरी क्या है ये, या प्राइमरी मेमोरी। फिजिकल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी या फिर सिंपली मेमोरी या रैम, ये सब एक चीज़ है, ये सब सेम चीज़ की बात कर रहे हैं, वो है रैम जो आपकी मेन मेमोरी है। फिजिकल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी या फिर सिंपली रैम, सब एक ही चीज़ है। तो मुझे अगर साइज इंक्रीज करना है रैम का तो क्या करूँगा, फिजिकली अगर मैं बात करूँ तो एक और रैम लगा दूंगा तो साइज बढ़ जाएगा रैम का। लेकिन अगर मुझे वर्चुअली इसका साइज बढ़ाना है, मेरा एक प्रोग्राम है, लेट्स से मेमोरी का साइज है मेरा, जो मेरी रैम है उसका साइज है,
4 GB। और लेट से आपको कोई गेम खेलना है इस कंप्यूटर के अंदर, और उसका गेम का साइज है, उस प्रोसेस का साइज है, लेट से जो गेम प्रोसेस है आपकी उसका साइज है लेट से 6 GB, तो आप तो ऑब्वियसली नहीं खेल पाओगे इसके अंदर, क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के थ्रू कि अगर आपको कुछ भी एग्जीक्यूट करना है तो वो मेमोरी के अंदर होना ज़रूरी है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक वर्चुअल मेमोरी रख सकते हो, और वर्चुअल मेमोरी जो है वो पार्ट है किसका, हार्ड डिस्क का। आपने क्या करा, हार्ड डिस्क से थोड़ा सा कुछ डेटा ली, कुछ हार्ड डिस्क का कुछ थोड़ा सा पोर्शन लिया, और आपने कहा कि ये वर्चुअल मेमोरी है और इसको मैं एज ए मेन मेमोरी यूज़ करूंगा। तो प्रोसेस का हाफ साइज आपने वर्चुअल मेमोरी के अंदर रखा और हाफ मेमोरी के अंदर रखा, और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। जब भी कोई प्रोसेस का कोई भी पार्ट चाहिए होगा, लेट से आप कोई स्टेज खेल रहे हो, पर्टिकुलर स्टेज, वो मेमोरी के अंदर नहीं है, वो वर्चुअल मेमोरी के अंदर है, क्योंकि अभी हाफ गेम वर्चुअल मेमोरी के अंदर है और हाफ गेम मेन मेमोरी के अंदर है, तो आप उसको बाय डिमांड उसको लोड कर सकते हो मेमोरी के अंदर। ओके, इसको बोलते हैं स्वैप इन। तो इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू वर्चुअल मेमोरी आपकी बनाई गई है, उसको बोलते हैं डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग मीन्स जब भी जिस पेज की ज़रूरत है, पेज मतलब प्रोसेस का एक पार्ट, हम एक प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड करते हैं, तो जब भी जिस पेज की ज़रूरत है उसको वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके आओ। इनिशियली पूरी प्रोसेस आप लोड नहीं करोगे मेमोरी के अंदर, सिर्फ कुछ पार्ट ही लोड करोगे। जब कोई पार्ट चाहिए होगा मेमोरी का उस प्रोसेस का, तब उसको वर्चुअल मेमोरी से लोड करोगे मेन मेमोरी के अंदर। तो इस तरह से काम करती है वर्चुअल मेमोरी। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। इफ ए सिस्टम इज 64 बिट मशीन, देन द लेंथ ऑफ ईच वर्ड इज विल बी वॉट। तो अगर मैं कहूँ आपका कंप्यूटर 64 बिट का है, इसका मतलब क्या है? जब आप कहते हो प्रोसेसर मेरा 32 बिट का है, 32 बिट आर्किटेक्चर, या फिर जब भी आप कोई प्रोसेसर खरीदने जा रहे हो तो आपको बोलते हो कि 32 बिट प्रोसेसर चाहिए या फिर 64 बिट प्रोसेसर चाहिए, तो 32 बिट आर्किटेक्चर का मतलब यह है कि उसके रजिस्टर्स 32 बिट के होंगे, डेटा रजिस्टर्स जो होंगे, ठीक है, उसका वर्ड साइज 32 बिट होगा, उसकी जो डेटा बस होगी उसकी विड्थ 32 बिट होगी। तो इसका मतलब ये है, ओके, अगर 32 बिट आर्किटेक्चर है, अगर 64 बिट आर्किटेक्चर है तो ये पूछ रहा है कि वर्ड साइज कितना होगा, उसका वर्ड साइज होगा 64 बिट्स, और यू कैन से 8 बाइट्स। इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। अ 24 बिट एड्रेस जनरेट्स एन एड्रेस स्पेस ऑफ हाउ मेनी लोकेशंस। ओके, अगर आपका एड्रेस 2 बिट का है, 2 बिट का एड्रेस है, तो आप कितनी मेमोरी सेल बना सकते हो? 2 बिट मतलब क्या है कि 2 बिट का एड्रेस है, 2 प्लेस है, और बिट मतलब 0 या 1 यूज कर सकते हो। तो इसमें आप फिल क्या कर सकते हो, या तो 0 0, फिर क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, 0 1 1 0, या फिर 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इनसे आप 4 मेमोरी सेल बना सकते हो, यानी कि आपने क्या करा, एक ये एड्रेस इसको दे दिया, ये एड्रेस इसको दे दिया, ये एड्रेस इस सेल को दे दिया, और एड्रेस इस सेल को दे दिया। मैंने बताया था कि हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होना ज़रूरी है, तो आप 2 बिट से 4 यूनिक एड्रेस बना सकते हो। इसका मतलब क्या है, 2 to the power 2। 3 बिट से आप कितने यूनिक एड्रेस बना सकते हो, 2 to the power 3। 3 प्लेस हैं आपके पास में, हर एक के पास में 2 चॉइस है, या तो 0 या 1, तो 2 into 2 into 2। इसी तरह से अगर 24 बिट एड्रेस है तो उससे कितनी लोकेशन बना सकते हो, 2 to the power 24 मेमोरी लोकेशंस। ओके, सो 2 to the power 24 मीन्स डी। क्वेश्चन नंबर 15। द टाइम डिले बिटवीन टू सक्सेसिव इनिशिएशन ऑफ मेमोरी ऑपरेशन इज नोन एज व्हाट। तो आपको 2 बार मेमोरी एक्सेस करनी है, टाइम डिले बिटवीन दोज 2 मेमोरी एक्सेसेस। आपने एक बार मेमोरी एक्सेस करी, उसके बाद में दूसरी बार जब आप मेमोरी एक्सेस कर रहे हो तो उनके दोनों के बीच में जो टाइम डिले है उसके बारे में पूछ रहा है, तो उसको बोलते हैं मेमोरी साइकिल टाइम। द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन विच रजिस्टर्स। ओके, डिकोडेड इंस्ट्रक्शन, तो हमेशा याद रखना जब भी हम इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, IR, दिस इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जो प्रोग्राम काउंटर है PC, इसके अंदर हम एड्रेस रखते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, ये एड्रेस रजिस्टर है। प्रोग्राम काउंटर के अंदर हम इंस्ट्रक्शन रखते हैं, बाकी आपके MDR है मेमोरी डेटा रजिस्टर, इसके अंदर हम मेमोरी की कोई वैल्यूज रखते हैं, जो भी डेटा मेमोरी से आएगा या फिर जो भी डेटा मेमोरी को स्टोर करना है वो हम MDR के थ्रू भेजते हैं, ठीक है। MDR एंड MAR दो रजिस्टर्स हैं जो मेमोरी पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है मेमोरी बस से,
रजिस्टर्स आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, तो IR इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द इंस्ट्रक्शन एड LOC A R0 डज व्हाट। तो आपके पास में एक इंस्ट्रक्शन है एड LOC लोकेशन ए, दिस मींस लोकेशन ए R0, इसका मतलब क्या है? तो आप कुछ ही मान सकते हो, लेट्स से ये सोर्स है या डेस्टिनेशन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि LOC अगर ये R0 डेस्टिनेशन है तो आप कहोगे R0 में ट्रांसफर करना है, लोकेशन ए पे जो डेटा है उसको ऐड करना है R0 के साथ में। तो ऐड द वैल्यूज ऑफ R0 एंड लोकेशन ए एंड स्टोर इन टू द R0। तो ए कह रहा है कि एड्स द वैल्यू ऑफ लोकेशन ए टू R0 ट्रू एंड स्टोर्स इन द टेम्पररी रजिस्टर, नो इट इज नॉट स्टोरिंग इन टेम्पररी रजिस्टर, इट इज स्टोरिंग वन ऑफ दीज रजिस्टर्स। ओके, वन ऑफ दीज रजिस्टर विल बी यूज एज अ डेस्टिनेशन। एड्स द वैल्यू ऑफ R0 टू द एड्रेस ऑफ लोकेशन ए, दिस इज नॉट इनफ, वी हैव टू टेल अबाउट इन विच ऑपरेंड वी आर स्टोरिंग। एड्स द वैल्यू ऑफ बोथ LOC ए एंड R0 एंड इट स्टोर्स इट इन द R0, दिस इज ट्रू। डी कह रहा है कि एड्स द वैल्यू ऑफ लोकेशन ए विद ए वैल्यू इन एक्यूमुलेटर, नो विद ए वैल्यू इन एक्यूमुलेटर नहीं, हम एक्चुअल में R0 के साथ में ऐड कर रहे हैं, तो सी इज द आंसर। विच रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विद द सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, तो सेकेंडरी स्टोरेज के साथ में कौन सा रजिस्टर इनका इनमें से इंटरेक्ट कर सकता है? हम जब बात करते हैं रजिस्टर्स की, तो रजिस्टर सारे कहाँ हैं? CPU के अंदर। तो आर्किटेक्चर आपका कुछ ऐसे हैं, अगर मैं सिंपली बात करूँ, जैसे हमने अभी देखा था, यह है आपकी मेमोरी बस और यहाँ पे है CPU, और CPU के अंदर रजिस्टर्स हैं, बहुत सारे रजिस्टर्स हैं जैसे PC IR। ओके, लेकिन कुछ रजिस्टर ऐसे हैं जो बस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। दो तरह की बसेज है, हमेशा याद रखना, एक है इंटरनल बस जो CPU के अंदर लगी हुई है, जो CPU के अंदर के डिवाइसेस को कनेक्ट कर रही है, जैसे CPU के अंदर ALU है, कंट्रोल यूनिट है और रजिस्टर्स है। तो CPU के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं, तीन कंपोनेंट्स है, ALU CU एंड रजिस्टर्स, उनको जो आपस में कनेक्ट कर रही है उसको बोलते हैं इंटरनल बस, और जो ये हैं एक्सटर्नल बस, सिंगल बस एक्सटर्नल बस। तो एक्सटर्नल बस से जो भी रजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे वो हार्ड डिस्क को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि IO डिवाइसेस है यहाँ पे और मेन मेमोरी है। तो जो रजिस्टर्स यहाँ पे हैं इस बस से कनेक्टेड है, बाहर वाली बस से, उनके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो बाहर वाले डिवाइसेस को, जैसे मेन मेमोरी को एंड IO डिवाइसेस को। तो ऐसा एक रजिस्टर है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR, उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो मेन मेमोरी को एंड IO डिवाइस से जो भी डेटा आएगा वो MAR के अंदर रखेंगे, MAR एंड MDR, कभी कभी इसको MBR भी बोलते हैं, मेमोरी डेटा रजिस्टर और मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो CPU को अगर कुछ भी एक्सेस करना है मेन मेमोरी से या फिर IO से, CPU एड्रेस रखेगा MAR के अंदर, MAR उस एड्रेस को लेके जाएगा मेमोरी के पास, वहाँ से डेटा एक्सेस करेगा, और जो डेटा इसने यहाँ से एक्सेस किया है वो रखेंगे डेटा लाइंस में, और डेटा लाइंस डायरेक्टली कनेक्टेड है MDR से, फाइनल डेटा आ जाएगा आपका CPU के पास में। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम विच गेट्स इनिशियलाइज्ड फर्स्ट। तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले क्या इनिशियलाइज होगा, पूरी प्रोग्राम की का समझते हैं कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। इनिशियली प्रोग्राम कहाँ है? इनिशियली प्रोग्राम आपका हार्ड डिस्क में है एज ए exe फाइल, ठीक है। लेट्स से ये आपकी थी abc.exe, आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे ही आपने इस पर डबल क्लिक किया, ये प्रोग्राम बन गया प्रोसेस। अभी ये पैसिव एंटिटी थी, अब ये एक्टिव एंटिटी बन गई जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है। इसलिए बोलते हैं कि प्रोग्राम जो है वो पैसिव एंटिटी है और प्रोसेस जो है वो एक्टिव एंटिटी है, एंड प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। तो अब ये प्रोग्राम यहाँ से लोड हुआ मेमोरी के अंदर, लेट से इसके इंस्ट्रक्शन थे I1 I2 I3, यहाँ पे ये लोड हो गए मेमोरी के अंदर, इसको बोलते हैं लोडिंग, प्रोग्राम को लोड करना मेमोरी के अंदर। अब वन बाय वन क्या होगा, यह लेट से CPU आपका, वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस CPU फैच करेगा यहाँ से, लेकिन CPU फैच कौन से एड्रेस से करेगा, बात यह है, क्वेश्चन ये कि किस एड्रेस से CPU पहला इंस्ट्रक्शन फैच करेगा, वो एड्रेस बताएगा प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर के अंदर हम एड्रेस रखते हैं जहाँ से इंस्ट्रक्शन फैच करना है, लेट से ये 1000 है, तो आप 1000 से इंस्ट्रक्शन को फैच करोगे, इंस्ट्रक्शन जाएगा यहाँ पर CPU के अंदर एग्जीक्यूट होगा, इस टाइम पे इंस्ट्रक्शन फैच हो गया, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन फैच, जब आप इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से CPU के रजिस्टर्स में लेके आते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोडिंग का मतलब ये है कि हार्ड डिस्क टू
रैम एंड फैचिंग, इंस्ट्रक्शन फैच का मतलब ये है, जब भी फैच की बात होगी याद रखना रैम टू रजिस्टर्स। तो आप प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू रीड करते हो, प्रोग्राम काउंट इनिशियल रजिस्टर एड्रेस कहाँ है प्रोग्राम काउंटर के अंदर, प्रोग्राम काउंटर से आप वो वैल्यू देते हो MAR को। ठीक है, MAR क्या है, एक रजिस्टर है जो मेमोरी से कनेक्टेड है, क्योंकि आपको मेमोरी से फैच करना है तो इसलिए एड्रेस MAR को देना पड़ेगा। MAR से आप एक्सेस करोगे जो डेटा है उस लोकेशन से, और वो डाल दोगे आप डेटा MDR के अंदर, मेमोरी डेटा रजिस्टर के अंदर। फिर MDR के अंदर जो इंस्ट्रक्शन आया है वो आप दे दोगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को, एंड IR डायरेक्टली कनेक्टेड है डिकोडर से। अब इंस्ट्रक्शन डिकोड होगा, ये पता लगाएंगे कि इंस्ट्रक्शन किस तरह का है। तो आप इंस्ट्रक्शन फैच करते ही क्या करते हो, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हो। ठीक है, इनको बोलते हैं माइक्रो ऑपरेशन, जो मैंने चार दिखाए हैं आपको, ये माइक्रो ऑपरेशन है। इन्हीं के लिए कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होंगे। तो भी जानने की जरूरत यह है कि एग्जीक्यूशन जब प्रोग्राम इनिशलाइज होगा तो इनिशियली सबसे पहले रजिस्टर कौन सा इनिशलाइज होगा। सीपीयू के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, उनमें से कौन सा पहले रजिस्टर इनिशलाइज होगा, सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर इनिशलाइज होगा। सबसे पहले आपका प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो है वो इनिशलाइज होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द रजिस्टर्स ऑफ द प्रोसेसर इज आर कनेक्टेड टू मेमोरी बस। मैंने अभी बताया था मेमोरी बस से दो रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं, MAR एंड MDR। ओके, सो MAR इज कनेक्टेड टू मेमोरी बस। ओके, द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर आर कनेक्टेड बाय। तो जैसे हमने अभी बात की थी, जो सीपीयू के इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, प्रोसेसर के जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, जैसे सीपीयू के अंदर इंटरनल कंपोनेंट्स हैं ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, वो कनेक्टेड होते हैं इंटरनल बस से। और जो एक्सटर्नल बस है उससे बाकी सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। जैसे सीपीयू से मुझे कनेक्ट करना है मेमोरी के एंड IO डिवाइसेस को, तो वो सब क्या है, वो सब मेमोरी बस एंड IO बसेज हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है, अगर सिंगल बस आर्किटेक्चर है तो मेमोरी के लिए अलग बस होगी एंड IO के लिए अलग बस होगी। अगर सिंगल बस स्ट्रक्चर है तो मेमोरी एंड IO दोनों के लिए एक सिंगल बस होगी। लेकिन अगर वो आर्किटेक्चर आपका मल्टीपल बस आर्किटेक्चर है तो CPU के लिए अलग बस होगी एंड मेमोरी के लिए अलग बस होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि वो प्रोसेसर बस है जो इंटरनल कंपोनेंट को कनेक्ट करती है। सो क्वेश्चन नंबर 22, द रजिस्टर्स ALU एंड द इंटर कनेक्शन बिटवीन देम आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज वॉट। ओके, रजिस्टर्स ALU एंड द इंटर कनेक्शन बिटवीन देम आर कलेक्टिवली नोन एज डेटा पाथ। ANSI स्टैंडर्ड इंस्टेंस फोर। ओके, सिंपली फुल फॉर्म पूछ रहा है NSI की। NSI की फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 24, द मेन एडवांटेज ऑफ मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन ओवर सिंगल बस इज वॉट। जैसे मैंने भी बताया कि सिंगल बस ऑर्गेनाइजेशन है, डबल मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन है। सिंगल बस एंड मल्टी बस का मतलब क्या है, जैसे अगर आपकी ये बस है, ठीक है, तो अगर सारे के सारे कंपोनेंट सिंगल बस से कनेक्टेड हैं, जैसे कि IO है आपका मेन मेमोरी एंड CPU, सबके सब सिंगल बस से कनेक्टेड है, ये है सिस्टम बस। सिस्टम बस के अंदर तीन चीज़ें होती हैं जैसे मैंने बताया अभी, एड्रेस लाइन, डेटा लाइन एंड कंट्रोल लाइंस। तो प्रॉब्लम क्या है, CPU जब भी कोई एड्रेस जनरेट करेगा, लेट से इसने कहा CPU ने कि मुझे 1000 से कुछ रीड करना है लोकेशन से, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि मेमोरी, क्योंकि 1000 लोकेशन IO के पास भी हो सकती है, या भी डिवाइस है उनकी लोकेशन है, मेमोरी के पास भी हो सकती है, मेमोरी के पास पे सेल्स है उनकी लोकेशन है। तो ये सिस्टम बस पे जाएगा तो इसको IO भी रीड करेगा और मेमोरी भी रीड करेगा। जैसे यहाँ पर भी अगर 1000 पे कुछ है, लेट से 1000 पे CPU कनेक्ट, आपका मॉनिटर कनेक्टेड है, ठीक है, मॉनिटर का एड्रेस 1000 है, पोर्ट एड्रेस, यहाँ पे पोर्ट एड्रेस होगा, तो यहाँ पे IO डिवाइस भी आपका एक्टिव हो गया और मेमोरी लोकेशन भी एक्टिव हो गई। एक एड्रेस की वजह से दो चीज़ें एक्टिव हो गई, मेमोरी के पास लोकेशन भी और ये भी, क्योंकि सिंगल बस है, कोलिजन हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस कोलिजन से बचने के लिए कई सारे तरीके हैं, हम उसको बोलते हैं सिस्टम बस और कन्फिग्रेशन। जैसे कि आपके पास में मेमोरी मेमोरी मैप्ड IO है, आइसोलेटेड IO है, ठीक है, तो वो सब क्या है, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो अगर आप अलग अलग बस रख रहे हो, लेट से आप, अब मैं क्या करूँ कि मेमोरी के लिए अलग बस रखूँ कि CPU एंड मेन मेमोरी जो है वो अलग बस से कनेक्टेड है, एंड CPU एंड IO जो है वो अलग बस से कनेक्टेड है, तो फिर कॉलिजन नहीं होगा।
तो मल्टीपल बस से फायदा क्या होगा, कॉलिजन नहीं होगा, इसलिए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ एग्जीक्यूशन, क्योंकि अगर कॉलिजन हुआ तो साइकिल्स वेस्ट होगी, बहुत ज़्यादा साइकिल्स लग जाएगी इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। लेकिन आप अगर मल्टीपल अगर बस जो है अलग अलग रखो सीपीयू मेमोरी की एंड सीपीयू आईओ की, तो क्या होगा, कॉलिजन नहीं होगा और एक टाइम पे एक ही डिवाइस जो है एक्टिवेट होगा और नंबर ऑफ साइकिल्स कम लगेंगी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस अ कॉपी ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज प्लेस्ड इन विच ऑफ द रजिस्टर विच ऑफ द मेमोरीज। तो जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसकी एक कॉपी होगी कहाँ पर, रजिस्टर्स में, रैम में या फिर सिस्टम हीप में या कैश मेमोरी में। इनिशियल इंस्ट्रक्शन कहाँ होता है, इनिशियल इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अंदर है, मेमोरी से वो जाएगा कैश के अंदर, कैश के अंदर एक कॉपी होगी, फिर कैश से जाएगा वो रजिस्टर्स के अंदर। तो जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो रजिस्टर्स के अंदर है, लेकिन उसकी एक क्या एक कॉपी जो है वो कैश मेमोरी के अंदर भी है। ओके, क्योंकि मेमोरी कैश मेमोरी क्या रखती है, सबसेट ऑफ मेन मेमोरी,